को यार हमारा दूल्हा चप्पलों में आ रहा, जूते नहीं दिए इसकी साली ने यार। ये चीज और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये चीज करने में, क्योंकि स्वागत बोलते हैं स्वागत कमरे में होती है, कमरा सजाया जाता है, कमरा हमारा सब सज जाएगा भाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज यहाँ मेरा मतलब दूसरा दिन है और सो के उठा हूँ, अच्छी एक नींद ली अभी। कल इसके फंक्शन से निपट के बहुत डांस करा रहा शादी में, और अभी क्या है बहुत ज़्यादा थक गए तेरा डांस करके, तो सो के अभी उठे। और अभी मैं फ्रेश वगैरह हो गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक धोऊँगा, और मंदिर की गाड़ी भी सजानी है जो जिसमें वो बैठ के आएगा, और तो भी वहाँ चलते हैं और फिर देखते हैं आगे का सीन क्या है, कब प्लान क्या है, आज कैसे कैसे क्या चीज़ होंगे। आई थिंक इसकी बारात यहाँ से 10:30 बजे तक निकल जाएगी और हम लोगों को रेडी भी होना है। और मेरे से एक गलती हो गई है वो मैं आगे बताऊँगा। कुछ मैं यार देखो कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है, वो मैं से घर से धोके लेके भी नहीं आया और ये बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। और बट क्या लग रही है मेरी बाइक बहुत ज़्यादा साथ गया इसमें, अभी से चमकाऊँगा मस्त करके। ब्लैकी बाइक धोने जा रहा हूँ, जहाँ मैं कल नहाया था वहाँ पर अपनी बाइक धोने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, क्योंकि हो सकता है आज मैं बाइक से जाऊँ या ना जाऊँ, बट बाइक से कल जाऊँगा तो मेरे को धोनी तो है। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, और ये बिक्की भाई गाड़ी साफ कर रहे हैं क्योंकि अभी मंदीप को इसमें लेके जाएंगे, तो इस पर फूल वूल लगा के अभी सब सजाएंगे, तो मैं इतना भी गाड़ी धो के लाता हूँ गाड़ी। ठंडी पड़ गई है, ठंडी पड़ गई है। तो अभी यहाँ पर मैं अपनी बाइक धोऊंगा, क्योंकि सब लोग यहाँ पर गाड़ियाँ धोते हैं अपनी, और ये मतलब पानी ऊपर से ही आ रहा है। वैसे कल मैंने बताया था जैसे कि नहा रहे थे, तो बाइक धोऊंगा बिल्कुल अच्छे से चमका दूंगा ऐसे। उसके लिए मैं मग लाया हूँ, कपड़ा लाया हूँ, बट शैम्पू वैम्पू कोई ऐसी चीज़ लाया नहीं हूँ। और ये आज पहली बार पहाड़ों के बीच में मेरी बाइक धुलेगी और मैं खुद अपने हाथों से धोऊँगा इस बाइक को, तो लेट्स डू इट, करते हैं इसको शूट भी करते हैं। और मजा आ रहा है मेरे को यह बाइक धोने में, क्योंकि पानी फ्री का मिल रहा है। 60-70 रुपये लगते हैं, पॉलिश कराओगे तो 80 रुपये लगते हैं दिल्ली में, बट यहाँ पे धोने में फ्री का। तो गाइस यहाँ पे बाइक धुल रही है और गाड़ी भी आ गई, गाड़ी पे भी अब सजावट करवाएंगे। अबे ऐसे मरीले की तरह डालेगा क्या पानी, तमीज से डाल दे भाई, तेरा कहीं भी आज ढंग के नहीं चलते क्या। और ये गाड़ी का नंबर देख रहे हो, DL7SC G1272। कुछ लग रही है यार, मोहब्बत हो गई है बाइक से। और ये देखो ना, ये आ रहा है पानी, ये खड़ी है बाइक, और ये है पहाड़। मस्त व्यू के साथ बाइक धुलती हुई नज़र आ रही है और मस्त ऐसी डालते रहे बाकी भाई, साफ कर दे पूरा अच्छे से। ठीक है ये चीज़, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसी ये चीज़ करने में, क्योंकि एडवेंचर के साथ चीज़ें इन्जॉयमेंट के साथ अगर हर चीज़ करो तो उस चीज़ का मज़ा ही अलग है। और एक चीज़ और बताऊँ, कल मेरे पे मैसेज आया, मैं जब दिल्ली से यहाँ आ रहा था तो मेरे टैक्सी रेस पर बाइक अलाउड नहीं है पेरिफेरल पे, तो पाँच मिनट तो पेरिफेरल पर बाइक अलाउड नहीं है, तो मैं वहाँ से लेके जाता हूँ। ट्रैफिक पुलिस ने मेरा चालान काट दिया, बोला मतलब गाड़ी सज गई है थोड़ी बहुत, रह रही है अभी मैं गया थोड़ा सामान लेने, सन्नी भाई भी आ गए वहाँ पीछे अपनी गाड़ी धो रहे, और ये अपनी अपाचे फाइनल धुल चुकी है, अब इसको ले जा कर खड़ा कर देते हैं, थोड़ी बहुत धूल चिपक जाएगी, अब पता नहीं फिर कैसे कल कपड़ा मार दूँगा सूखा। और ये मस्त वादी आया मेरे पीछे, वादी की वजह से मैं आया हूँ, और एक बार अपाचे दिखाता हूँ आपको फ्रंट लुक से।
गाड़ी ढूंढ के यहाँ खड़ी हो गई है, सूख रहे हो थोड़ा, फिर पॉलिश मारूंगा, फिर इसका चैन लिफ्ट चैन क्लियर करूंगा। और ये मंदीप भाई की गाड़ी सजा रहे हैं, अच्छी लग रही है वैसे तो, अभी और सजानी है। और चार पांच गुलाब के फूल है। तो गाइस आज मेरे दोस्त की बारात निकलेगी और आज भाभी घर आ जाएंगी, भाभी मस्त है। प्यार कर रहा हूँ मैं। निकल गए थे और अभी टाइम नहीं मिला क्योंकि रेडी हो रहे थे सारे। और ये है सुम्मा, सुम्मा सुमित नाम है इसका। और मंदीप भाई तैयार हो गए और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, हमने हायर करे हैं विक्की भाई, ये स्पेशल हमने स्पेशल गाड़ी जो हमने साथ सजाई थी। और अभी चलते हैं, मेगा भाभी को लेके आएंगे वापस और आपको शादी के बाद लेके नहीं उठा के आएंगे, उठा के लेके आएंगे शादी के बाद के जो होता है सारा ब्लॉग में दिखाएंगे। नहीं ऐसे समझाते हैं गाइस, तो क्या है ना कि देखो आज शादी है, शादी के एक दिन बाद जो होता है रात में उसको शायद स्वागरात बोलते हैं। स्वागरात कमरे में होती है, कमरा सजाया जाता है, कमरा हमरा सब सज जाएगा। बट क्या है ना वो कमरे में जो क्या होती है कुंडी, कुंडी लगा दे सही है। हाँ लगा ले सही है कुंडी। जन्नत दिखाती हूँ मैं तो मंदीप को, जन्नत भी दिख पाई क्योंकि इसके कमरे की कुंडी ना वो किसी और को जन्नत दिख टूट रही है, जन्नत सब देख सकते हैं। मतलब मंदीप भाई एक कील का जुगाड़ कर लियो, पकड़ दूंगा भाई सुन क्या रहा है विक्की भाई, कील ले लियो रास्ते में आते हुए ठोक देंगे यार। चल रही है स्टोरेज होगी देखो फोन में, जा रहे हूँ मंदीप की बहू को लेने। तो अभी हम निकल चुके हैं सफर पर मंदीप की बहू को लेने जा रहे हैं, बुआरी को लेने के लिए। बुआरी बुआरी मंदीप कुंडी लगवा ली हूँ इसमें, मैंने ब्लॉग ब्लॉग में वो नहीं डाली कुंडी तेरी। सब लोग पहुँच गए और यहाँ पर मतलब बड़ी ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। हमने मतलब मेरे को पता था कि जूते जो है वो कब छुड़ते हैं, फेरों के टाइम पे छुड़ते हैं, और मंदीप के जूते पहले ही चुरा लिए। सब मतलब पूजा होती है यहाँ पर, गेट कटाई के बाद पूजा होती है। और देखो मंदीप कैसे आ रहा है, देखो यार हमारा दूल्हा चप्पलों में आ रहा है, जूते नहीं दिए इसकी साली ने यार, चप्पल में आना पड़ा, अपने ससुर की चप्पल में आ रहा है यार। देखो कायदे वाली बात है कि जब रस्म जिस टाइम पर होती है उसी टाइम पर उस रस्म को निभाओ। जूते की रस्म होती है कि जब दूल्हा फेरे पे बैठने जाता है, फेरे लेने के लिए बैठना जाता है, उस टाइम जूते चुराती हैं सालिया, बट हाँ उन्होंने पहले ही चुरा लिया। कोई नहीं अब दी नहीं चप्पल, जूते दिए नहीं तो चप्पलों में आना पड़ रहा है। और अभी दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। और ये देखो व्यू, ये पंडाल है यहाँ पे शादी का, फिर है बहुत मस्त शादी होती है पहाड़ियों में, पूरे पहाड़ 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 ये मंदिर पर, और मस्त है। ओए क्या नाम है तेरा, सुम्मो, वो बता पहलवानी वाला चीन, सुम्मो पहलवान, सुम्मो पहलवान कहाँ से लग रहा तू पहलवान, दिखता नहीं रहा। यार धोती तो थोड़ा काला हो गया हूँ, टैनिंग हो गई है यार, और पीछे पहाड़ मस्त हैं एकदम, बीच में यार बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच में शादी हो रही है तो
माला हो गई है। रिकॉर्ड नहीं कर रहा थोड़ा यार, बिजी हूँ। मनदीप का ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि बाकी सब लोग बिजी हैं और चीज़ों में, तो मनदीप के साथ मेरे को छोड़ दिया, तो शूट नहीं कर पा रहा मैं। जितना भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कोशिश करूँगा कि जितना भी रिकॉर्ड करूँगा देख लो। और ठीक है, और ये कि बीच वाले पहाड़ पे धूप आ रही है, इस वाले पहाड़ पे कोई धूप नहीं है, इस वाले पहाड़ पे कोई धूप नहीं, यही है उत्तराखंड का अच्छा वेदर। और सच में बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। देखो यहाँ पे पंडित जी जो है शॉर्ट में कर रहे हैं, एक साथ तीन पेज पलट देंगे अभी। हालत हुई है मनदीप की शादी में, और अगली बार नहीं आएंगे मैं इसकी शादी में, एक बार आगे गलती से। जो दिल्ली पे एक रोड है उस रोड पे जो उसकी शादी होगी, शादी में नहीं जाएंगे, और सच में बहुत थकावट होगी, साथ बज रहे हैं। इस बार गलती से आगे मैं इसकी शादी में, अगली बार नहीं आने के, कन्फर्म है। बहुत ज़्यादा खतरनाक रोड है ये, पूरी ऑफ रोड है, और मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है ये अभी। और हम लोग जा रहे हैं मनदीप की शादी ख़त्म करके भाभी को लेके वापस मनदीप के घर, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब जाके आराम करेंगे। और मेरे को सुबह निकलना है एक ट्रिप पर, सुबह ही बताऊंगा उठ के कहाँ जा रहा हूँ, बस जल्दी से घर पहुँच जाए और आराम करेंगे। डर लग रहा है क्योंकि मंदिर बताते हैं यहाँ पर बाघ वाघ निकल के आते हैं, वैसे गाड़ी में तो सेफ़ हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।